चीज़ है ये, दो यहाँ डिस्प्ले में लगे हुए हैं, ये मैं देखिए पूरा नीचे इसके रोटेशन वाले मोशन भी लगे हैं, घिर्री दो दो लगी, कैसे घिर्री पे नाचता है, एक इधर लगा है ये विशाखा म्यूज़ियम में और एक उधर लगा है, दोनों के स्पेसिफिकेशंस लगभग एक ही हैं। सरफेस टारगेट्स फ्रॉम द सी लिखा हुआ है, ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े इसमें टोप टाइप के निकले भी हुए हैं, काफ़ी इसमें इनलेट्स भी हैं घुसने के लिए, बाकायदा सीढ़ी वीढ़ी लगी हुई है। अब हम इसके अंदर भी घुसेंगे, जैसे इसका तो बंद नज़र आ रहा है लेकिन दूसरा वाला जो है सामने मेरे सामने वो खुला हुआ है, चलिए उसमें मैं आपको चली सकती हूँ। ये देखिए अगल बगल दो सीढ़ी भी हैं इसमें चढ़ने के लिए, ये अंदर मैंने लिए फोटोग्राफ्स कलर कलेक्ट करके भी वीडियो बनाया है, लेकिन आप लाइव भी देख सकते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, ये अंदर का देखिए पार्ट डिस्प्ले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये मुझे लग रहा है आप दिखने लगा होगा आपको, धीमे धीमे अगर बाहर आएंगे तो अंदर भी हम ले चलते हैं आपको। ये सीढ़ियाँ हैं, मैं सीढ़ियों से ये ऊपर चढ़ा, मुझे लगता है अब नज़र आ रहा होगा आपको इसके अंदर काफ़ी चीज़ें, अंदर पूरा नज़र, मतलब एक तो नीचे वो घिर रही था जिसपे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, ये देखिए ये एक इधर भी ये लगा है, मतलब वर्टिकल मूवमेंट के लिए भी है इसका, यहाँ शायद सिर निकाल के देखते रहे होंगे सोल्जर कैसे क्या होता है। अभी काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और शायद कोई विधिवत जानकारी वृहद जानकारी इसके बारे में दे पाएगा, मुझे तो शायद इतनी जानकारी हासिल करने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन तब तक के लिए कम से कम एक डॉक्यूमेंटेशन हो गया। आप विशाखापट्टनम आए तो इसको ज़रूर देखें, ना आए तो भी ये वीडियो आपको कम से कम एक इनसाइट एक नज़ारा तो देगा ही देखने को, काफ़ी बड़ा है इसलिए बीच बीच में मैं अपना भी शक्ल दिखा दे रहा हूँ जिससे पता लगे कितना बड़ा है।